जो बिल्कुल ठीक है, बाबा तो सबका अच्छा करेंगे, वो बात सही है, लेकिन बाबा के ऊपर भी कोई बाबा बैठ के बाबा के खेल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बाबा नगरी सिंहेश्वर है और सारा जमीन अगर बाबा का है तो फिर डाक इतना बड़ा क्यों किया जाता है। जी नमस्कार, मैं हूं मणिकांत कुमार और आप देख रहे हैं टीवी टाइम्स न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा नगरी सिंहेश्वर में और आप सबों को पता होगा कि महाशिवरात्रि के मौके पे यहां पे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और इस बार पता चला है कि डाक के राशि को लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इस विषय पर हम जानते हैं यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ के लोगों से, इस डाक के बढ़ने से इन लोगों को कोई परेशानी हुई है या नहीं, या उसी रेट पर इन लोगों को ज़मीन उपलब्ध हुआ है। आइए बात करते हैं, बताइए क्या नाम हुआ आपका? अरे राम मेहता नाम हुआ। इस बार मेले में जो रेट बढ़ा है डाक का, उससे कोई फर्क पड़ा है आप लोगों को? फर्क तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, दोबर होकर लगभग हम लोग को तमाम दुकानदार को महंगाई में पड़ना पड़ा है और ज़मीन का जो रेट है पहले से दुगुना लग रहा है, इसलिए दुकानदार भाइयों सबको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इससे रेट सरकारी रेट के मुताबिक जो पहले था उस शायद ऐसे 450 के लगभग था स्क्वायर फीट में। इस बार क्या मतलब इस बार स्क्वायर फीट कितना मिला है, कितना रुपया स्क्वायर फीट मिला है? इस बार तो लगभग लगता है कि 850 के लगभग स्क्वायर फीट में गया होगा अनुमान जो लग रहा है, इसलिए कि 1.9 करोड़ का जो टारगेट है उसको तो सब दुकानदार पर ही बैठा जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ के ऐसी स्थिति है, इस मेले का इतना हाई रेट नहीं होनी चाहिए। इस मेले का इतना हाई रेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कहना है, बिल्कुल सही कहना है इन लोगों का कि इस मेले का इतना हाई रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बाबा नगरी सिंहेश्वर है और यहाँ पे बाबा का ही ये टोटल ज़मीन है, सारा ज़मीन बाबा का ही है और इतना अगर हाई रेट पे डाक होगा तो यहाँ के दुकानदारों को परेशानी होगी। अगर दुकानदार नहीं आएंगे तो यहाँ पे मेले का जो यहाँ पे भव्य मेले का जो आयोजन होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी होगा। आइए और भी दुकानदार से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको किस रेट पर ज़मीन उपलब्ध हुआ है। जी यहाँ पे एक छोटा मोटा पान का दुकानदार है, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं कि आपको किस रेट में यहाँ पे ज़मीन उपलब्ध हुआ है। आइए पूछते हैं इनसे, बताइए क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। अच्छा, इस बार जो ज़मीन आपको उपलब्ध हुआ है क्या रेट में मिला है ज़मीन? 850। इधर थोड़ा सा ये क्या बोला? 850। 850 रुपया फीट? हाँ। पिछले बार भी दुकान लगाए थे आप? हाँ लगाए थे। पिछले बार का क्या रेट था? पिछले बार रसीद नहीं कटाए थे, बट्टी बट्टी लिया था। अच्छा अच्छा, चलिए यहाँ पे छोटे मोटे दुकानदार जो है उनसे भी हाई रेट में ज़मीन बेचा गया है, ज़मीन दिया गया है, जो कि इससे बहुत परेशानी है। छोटे मोटे दुकानदार तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर इस तरह से इस समय लोगों को ज़मीन उपलब्ध करवाया जाए तो ये मेले पर कहीं ना कहीं असर डाला जाएगा, असर पड़ रहा है। और भी लोगों से आइए बात करते हैं आगे। चलिए यहाँ पे एक हमारे बर्तन दुकानदार हैं, ये भी मेले में आके अपना दुकानदारी करते हैं। कहाँ घर है आपका बताइए? मेरा बेगूसराय घर हुआ। नाम क्या हुआ? पंकज गुप्ता सर। अच्छा ये बात बताइए, इस बार टेंडर की राशि जो है सुनने में मिला है लगभग 1.9 करोड़ है। जी सर। इससे आप लोगों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? सर फर्क क्या पड़ेगा, महंगाई की दौर में है, कुछ तो ज़रूर पड़ा है, लेकिन हमारा जीविका तो यही है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, सरकार हमें कोई ध्यान नहीं देती है। आप मजबूर हैं इस रेट में ज़मीन लेने के लिए? सर मजबूर नहीं है, हर एक साल लगाते हैं और बाबा के शरण में आते हैं, जो भी करेंगे बाबा अच्छा ही करेंगे। जो बिल्कुल ठीक है, बाबा तो सबका अच्छा करेंगे, वो बात सही है जी, लेकिन बाबा के ऊपर भी कोई बाबा बैठ के बाबा के खेल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ के मेले को एक साजिश के तहत कमज़ोर करने के लिए जो है प्रयास किया जा रहा है। जब यहाँ पे टोटल ज़मीन बाबा का है तो फिर इस पे टेंडर इतना बढ़ा के लेने का क्या मकसद है? ये से बोल रहा हूँ, बोलिए क्या दिक्कत है आपको? सर मैं बर्तन व्यवसायी हूँ और एक मीडियम परिवार से आता हूँ और जितना भी मेला में हैं सभी तो बेरोजगार ही एक तरह से हैं और उनका जीने का साधन एक मेला ही है। तो मैं सरकार से और मैं जिला प्रशासन से निवेदन करता हूं कि मेरे भोले बाबा के पास कोई संपत्ति की कोई कमी नहीं है, इसलिए कि छोटे छोटे बच्चे पर भी ध्यान दिया जाए। जो परिवार सब परिवार घूमने मेला आते हैं वो असमर्थ हो जाते हैं टिकट का झूला का रेट जानकर, मेला में दाम जानकर, और जनता में यही संदेश जाता है कि 1.10 करोड़ में टेंडर हुआ है, वो तो महंगा इसी पर जोर कर लिया जाएगा, लेकिन नहीं वैसा कोई बात नहीं है। मैं यहाँ क्या स्थानीय जनता का आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ का रेट जो पहले है वही रेट है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये बच्चे सब परिवार शामिल हो और सरकार से ही निवेदन करता हूँ कि इसका समुचित उचित रेट किया जाए, जो कि हमारा बाल बच्चा आवे, मेला पूरा ढंग से लुफ्त उठावे, एंजॉय करे, खाए पिए, कोई तरह का कसर नहीं हो। बाल बच्चा साल भर इंतजार करता है कि बाबा की नगरी में एक मेला लगेगा। देखिए यहाँ के दुकानदार मजबूर हैं,
हम बार बार आपको यही बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों को ज़्यादा रेट पे ज़मीन मिला है, लेकिन ये मजबूर हैं कि अपना रेट बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको भी 2 रुपया यहाँ से कमा के ले जाना है, इनको भी अपना बाल बच्चा है, इनका भी अपना स्टाफ है, सारा सामान है, इसलिए ये फिर हम आगे आइए और भी लोगों से बात करते हैं। पूछ कीजिए, चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे। ये क्या नाम हो आपका? रामनाथ सिंह उर्फ सरकार जी। अच्छा, ये आपका यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ है? झूला है, मौत कुआँ है। मौत कुआँ किधर है? पीछे साइड में, रोड के बगल में। अच्छा, आप पिछले साल भी आए थे क्या? हाँ, मेला में 12-15 साल से कर रहे हैं। अच्छा, इस बार क्या रेट में मिला है ज़मीन आपको? रेट तो हम लोग नहीं फाइनल किए हैं, मालिक लोग से बात है। अच्छा, एक बात ये तो पता होगा ना, पिछला बार जो रेट था इस बार उससे बढ़ के मिला है? हाँ, जब डाक बढ़ के हुआ है तो रेट तो बढ़ेगा। देखिए, यही परेशानी सबके साथ है, डाक बढ़ने के चलते एक छोटा सा पान का दुकानदार हो चाहे एक बड़ा सा झूला मालिक हो, सारे लोगों को परेशानी कहीं ना कहीं है, लेकिन आखिर ये लोग करेंगे क्या? ये मजबूर है, आखिर इनको भी मेला में 2 रुपया कमाना है, आखिर जाएंगे कहाँ? हम यहाँ के प्रशासन से निवेदन करते हैं और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे, ये बाबा नगरी सिंहेश्वर है और सारा ज़मीन अगर बाबा का है तो फिर डाक इतना बड़ा क्यों किया जाता है, डाक को सालों साल बढ़ाया क्यों जाता है? हम ये निवेदन करेंगे सरकार से, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ा साजिश इस मेले के साथ किया जा रहा है। एक बिहार में पहला नंबर पे सोनपुर मेला है, कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पे ये बाबा सिंहेश्वर का मेला का आयोजन यहाँ पे किया जाता था, लेकिन लगातार इस बार सर्कस नहीं आया है। और भी चीज़ धीरे 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 इस बार धीरे धीरे इसी तरह मेले को कमज़ोर करने का साजिश किया जा रहा है। हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से कि आप इस पर निश्चित रूप से ध्यान दें, ताकि अगले साल फिर से किसी साजिश का शिकार ये मेला ना हो। टीवी टाइम्स के लिए मणिकांत कुमार, जय हिंद। दुकानदार आप झूला मारे, दुकानदार।